हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका SOL का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल भी रिजल्ट आया, उससे पहले भी रिजल्ट आया, और रेगुलर वालों का तो जो रिजल्ट है वो तो आ ही गया है। बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट है। अभी तक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का हमें एक भी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और इससे अच्छी बात यह है कि SOL ने फाइनली फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है सारे कोर्सेज का वो डिक्लेयर कर दिया है। मतलब कोई भी रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर का पेंडिंग नहीं है। यानी अब आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो सब आपको मिलेगी, अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो SOL से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, जिनके एग्ज़ाम फरवरी तक चले थे, बेसिकली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम 11 10 या 11 फरवरी तक चले थे, यानी एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट ख़त्म हुए थे और इतनी जल्दी रिजल्ट आने की जो संभावना थी उसके चांसेस कम थे। बट हालांकि SOL ने काफ़ी जल्दी, मतलब कहूँगा कि फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट निकाल दिए, क्योंकि उनका फाइनल ईयर था तो फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आना जरूरी थे। अब आपका रिजल्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो अपडेट है। अपडेट ये है कि आपका जो रिजल्ट है इस महीने तो आना ना के बराबर मुश्किल ही है। अब रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिलेगा, यानी कि मई के महीने में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट की बात की जाए तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट फिर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, यानी अब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, और जिसमें बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम का रिजल्ट हो सकता है पहले आ जाए। क्योंकि SOL के अंदर होता पहले से ये था कि ऑनर्स कोर्सेज़ के रिजल्ट पहले निकाले जाते थे, बट जब से प्रोग्राम कोर्सेज़ के रिजल्ट पिछले साल से निकाले गए तो प्रोग्राम के पहले आते हैं। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अभी कम से कम 10 से 15 दिन अभी आपको लग जाएगा रिजल्ट का पहला अपडेट आने में। या तो फर्स्ट सेमेस्टर का पहला हमें देखने को मिलेगा किसी ऑनर्स के कोर्स का, वरना थर्ड सेमेस्टर का तो कन्फर्म है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो पहला रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी मई के महीने में, यानी 15 तारीख तक, यानी 15 मई तक अब आपको वेट करना है। वो भी सारे रिजल्ट आना भी पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में है। और अभी जो रिजल्ट निकाले गए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि उन रिजल्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उन रिजल्ट में भी रहती है एब्सेंट वगैरह की, तो उनको पहले रिजॉल्व किया जाएगा, जिसको कन्फर्म क्लियर करने में ही मुझे लगता है एक हफ्ता लग जाएगा। देन उसके बाद प्रोसेस किए जाएंगे, रिजल्ट तो प्रोसेस होते रहेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद एक हफ्ते तक फिर जो कहते हैं ना रिजल्ट की गाड़ी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो रिजल्ट तो दोनों रिजल्ट आ गए, फिफ्थ सेमेस्टर के तो सारे रिजल्ट आ गए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बारी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट से, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, और जो एक्सपेक्टेड जो डेट बताई गई है वो यही है कि अभी 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। इस महीने तो भूल जाइए फिलहाल रिजल्ट को लेकर, अब अगले महीने यानी मई के महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी 15 तारीख तक हमें, 10 या 15 तारीख तक हमें पहला जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल जाएगा, या तो प्रोग्राम का आ जाएगा या ऑनर्स का आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा हम बता देंगे। फिलहाल का अपडेट ये है कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का किसी भी कोर्सेज़ का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो भी रिजल्ट आया या तो रेगुलर के आए या तो NCVAP के, और SOL के सारे फिफ्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आपके रिजल्ट भी प्रोसेस में, और इसके अलावा रिजल्ट इसलिए डिले आपका हो रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट ख़त्म हुए हैं। तो 10 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो फरवरी से जोड़ लिए मार्च और अप्रैल, यानी तीसरा महीना आपका ख़त्म हुआ है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2.5 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट आता है, यानी मई के महीने में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको थोड़ा सा और वेट करना है, अभी तक करते आ रहे हो और थोड़ा कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से, और हमारे साथ बने रहे और देखते रहे कॉलेज अपडेट। और एक चीज़ और देखिए, रिजल्ट आ जाएगा, बट मैं ये कहूँगा रिजल्ट अगर निकाला जाए दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से तो अपसेंट के केसेस ना निकाले जाए, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल दिया जाए और उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिले, जो कि हमें अभी प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट है उनमें देखने को अभी मिला, क्योंकि रेगुलर के रिजल्ट में भी अपसेंट के केसेस आए। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर डिले आ रहा है, लेट आ रहा है, पर रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, तो मई के महीने में अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 या 15 तारीख तक आपको पहला रुझान जो है रिजल्ट का देखने को मिल जाएगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।